तो दर्शकों नमस्कार। आपने मेरे से बहुत क्वेश्चन किए और डाइजेशन के बारे में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की। फास्ट फूड जो पिज़्ज़ा बर्गर बच्चे बहुत खाते हैं और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जैसे आपके इंटेस्टाइन में बहुत अकड़न आ जाती है। तो इसलिए सबसे बेस्ट तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप गर्म पानी ज़रूर पिए सुबह और शाम नरम रखने के लिए, और दूध थोड़ा करें, केला खाएं नरम और पपीता खाएं जो आपके इंटेस्टाइन को नरम रखे। हम लोग ये सब करते हैं, मतलब अपने शरीर के लिए खाते हैं, लेकिन शरीर का जो सबसे मेन पार्ट है इंटेस्टाइन, उसको सेफ रखने के लिए कुछ नहीं खाते। समोसे खाते हैं, पकोड़े खाते हैं, वो सब इंटेस्टाइन में जाता है, लेकिन उसकी हम बिल्कुल ख्याल नहीं करते। तो ये उसके लिए बेस्ट चीज़ें हैं, नरम चीज़ें। दही खाएँ, आप केला खाएँ, दूध पिए और गर्म पानी पिए सुबह खाली पेट, रात को डाइजेशन के लिए। और मैंने एक देसी भी है, वो मुझे लगता नहीं कि हर एक को मिल जाए, त्रिफला चूर्ण है वैद्यनाथ का, गर्म पानी के साथ अगर ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है। आप हरी सब्जियां नहीं खाते, पत्ते वाली सलाद खाना है आपको, दही खाना है, ये बातें जो बहुत ज़रूरी है। हमारे पास रोज़ ये प्रॉब्लम है, बच्चों की ये है ही प्रॉब्लम ये। और रात को रेस्ट नहीं करना, 3 बजे, अगर रात को 8, 9 बजे, 10 बजे सोने का टाइम है, खाना खाने का टाइम है 7 से 8, आप खा रहे हो रात को 2 बजे, तो उसका डाइजेशन का टाइमिंग भी चेंज हो जाए। ये बात भी थोड़ी ध्यान रखो, अपना डेली रूटीन जो है, लिविंग स्टाइल, वो भी लाइफ स्टाइल जो है ना, उसको थोड़ा ओके रखोगे, आपको किसी की, मेरी भी सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पानी ज़्यादा पियो, वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप ज़्यादा मैदा ये सब चीज़ खाएंगे, प्रोटीन ये वो। प्रोटीन खाना बुरी बात नहीं है, अच्छा खाएं और ढंग से खाएं, ये नहीं कि सारा दिन प्रोटीन खाएं, फिर वो आपको स्टोन, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, ये सब बातों से आप दूर रहें। देखो मैं एक बात बताता हूँ कि हमारे को लोग क्रिटिसाइज, दैट इज़ नो प्रॉब्लम, व्हेन देयर इज, जब जहाँ पे काम होगा वहाँ क्रिटिसिज्म तो होगा ही। अगर मान लीजिए आपने पेपर में बिल्कुल वाइट पेपर दे दिया है और मैं आपको नंबर भी देना चाहता हूँ, तो वाइट पेपर में नंबर नहीं हो सकते। हम कुछ कर रहे हैं तो क्रिटिसिज्म भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अभी तक 48 इंटरनेशनल प्लेयर हुए हैं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हमारा नाम है, और कितनी वर्ल्ड चैंपियनशिप। मैं पहली बार बॉडी बिल्डिंग का कोच गया हूँ 99 में, जब IFBB पूरा इकट्ठा था, और ये बहुत सारे कम लोगों, पहला मिस्टर इंडिया हमने 2000 में दिनेश असवाल के रूप में किया, और 94 में मैं पावर लिफ्टिंग टीम के साथ कोच गया हूँ इंडिया की। द्रोणाचार्य राष्ट्रपति जी ने दिया, मैंने घर में नहीं बनाया, मैं वैसे बोल रहा हूँ, एक अभी हॉल ऑफ फेम इंग्लैंड ने दिया। तो ये मैं ये एक बोल रहा हूँ कि 48 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, अभी भी प्लेयर आए जा रहे हैं। अगर हमारी किसी चीज़ में दम है तभी तो आ रहे हैं। अगर कोई और क्रिटिसिज्म वाला है तो वो एक दिल्ली स्टेट और एक इंडिया बनाए, फिर मैं बात करता हूँ। ये बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम क्रिटिसिज्म की परवाह नहीं करते, हम अपना काम करते हैं। हर साल मैं रिजल्ट देता हूँ, दैट्स इट, दैट्स इट। ओलंपिया तक के मेडल आ गए, कौन और कौन सा हिंदुस्तान में बंदा है जो ओलंपिया तक गया भी है? हम तो 2 मेडल भी ले आए, और पहली बार गए गोल्ड, फिर अभी ब्रॉन्ज। तो इसलिए दैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, दैट मेक मी स्ट्रांग, एंड आप साथ चलते रहो, पक्की बात है हम आगे जाएंगे। थैंक यू। और नई सीरीज जो ला रहे हैं हर पार्ट के लिए, एग्जैक्ट वे में एक्सरसाइज बताएंगे बहुत जल्दी आपको, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, एक एक एक्सरसाइज के बारे में हम बताएंगे नई सीरीज के अंदर, क्या राइट टेक्निक है वो बहुत जरूरी है। और बंदे क्या करते हैं, जिस पार्ट की एक्सरसाइज है उसको यूज़ ना करके पूरी बॉडी को यूज़ करते हैं, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ नई सीरीज में। आप चिंता मत करो, वी आर विद यू, प्रेयर करो, हमारे प्लेयर गए हुए हैं, मैं भी प्रेयर, हम लोग, हमारी टीम है वहाँ इंग्लैंड में, आप प्रेयर करोगे और मेडल आपको देंगे। ये हमारे मेडल नहीं, आपकी दुआओं के मेडल। मेरा ट्रेनिंग का तरीका है वो मेरा पर्सनल बंदों का एक्सपीरियंस है, ज़मीनी तौर पर जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं जो आते हैं, मैं वो गूगल से पढ़कर और वो वाला कोच नहीं हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, और ना मेरे को वो वाली नॉलेज है, ना मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ। मैं एक प्रैक्टिकली जो बंदों को डील करके जो बेस्ट है वो आपको बताता हूँ, मैं कभी किसी को गलत नहीं बताऊँगा। अगर आप मेरा कहना मानते रहेंगे, वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। हमारी इंग्लैंड में टीम मैंने 5 अभी गोल्ड जीते हैं, अभी आज कंपटीशन हो रहा है और कल तक पता लग गया कि कितने गोल्ड जीते हैं। आपकी हम दुआएं चाहते हैं सब बच्चों को, गॉड ब्लेस यू इन एडवांस, हैप्पी दिवाली बोल रहा हूँ मैं।
और सब बच्चों को मेरी तरफ से मुबारक है, आप अच्छे से दिवाली खेलें, पोल्यूशन ना फैलाएं। थैंक यू वेरी मच। हमारे क्रिटिसिज्म के परवाह मत कीजिए, वो हमें हेल्दी करता है, दैट इज़ नो प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ, बिकॉज जिसको नहीं मालूम वो यही बोलेगा। आप अच्छे से काम करो, ये जीवन में सबसे बड़ी बात है। आपको आत्म शांति है तो सब ठीक है, आपने गलत नहीं किया तो आप ठीक हो। दैट्स इट, दैट्स इट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।